इंदौर में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की फिसली जवान, कहा फांसी गई तेल लेने, सिर्फ मेरा रखे ध्यान, वीडियो हुआ वायरल। सीएम रमन सिंह ने राजनांदगांव में किया नामांकन दाखिल, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर ही मौजूद करुणा शुक्ला अब से कुछ देर में भरेंगी फॉर्म। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा मेहुल चौकसी ने जेटली की बेटी के खाते में ट्रांसफर किया कैश, मोदी जनता के लिए नहीं अंबानी के लिए करते हैं काम। जबलपुर में महाकाली विसर्जन को लेकर हुआ विवाद, पुलिस और उपद्रवियों के बीच हुई जमकर तकरार, महाकाली को नर्मदा में विसर्जित करने को लेकर था ये पूरा विवाद। छतरपुर में कार से बरामद हुआ 60 लाख रुपए का कैश, पुलिस हिरासत में तीन आरोपी, इनकम टैक्स विभाग कर रहा है मामले की जांच पड़ताल। मंदसौर में नारायणगढ़ थाना प्रभारी का धमकी देने वाला ऑडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के साथ कर रहे बदसलूकी, पाटीदार ने कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेसियों की खिसक गई है जमीन, बौखलाहट में बीजेपी के कार्यक्रमों को लेकर कर रहे हैं शिकायत। मरवाही सीट से चुनाव लड़ेंगे अजीत जोगी, अमित जोगी ने दिए इस बात के संकेत, कहा छत्तीसगढ़ अब की बार होगा केवल जोगी राज। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति के बेटे विवेक यादव की हत्या का मामला, हत्या के आरोप में सौतेली मां को किया गया गिरफ्तार, पुलिस का दावा गला दबा कर की गई हत्या। और भिंड कलेक्टर आशीष कुमार पर गिरी गाज, वोटर लिस्ट में उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम जोड़ने को लेकर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा एक्शन।